नमस्कार। आज हम जो गेम देखने वाले हैं वो वर्ल्ड के जो एक टाइम पे दो सबसे टॉप मोस्ट अटैकिंग प्लेयर्स थे, राशिद नेज़मेदिनोव और मिखाइल ताल, इनके बीच एक बहुत बढ़िया गेम हुआ था 1961 में। सो उसको हम देखते हैं क्विकली। गेम विंडो की तरफ जाते हैं। गेम स्टार्ट हुआ e4 c5 नाइट f3 d6 d4 सीकर d4 नाइट टू d4 नाइट f6 नाइट c3 e6। सिसिलियन हर वक्त में शायद मुझे लगता है एक टॉप मोस्ट ओपनिंग रही है e4 के अगेंस्ट। बिशप e2 a6 कैसल क्वीन c7 f4 सेवन इंडियन वेरिएशन जो है वो बहुत ही पॉपुलर चॉइस रहा है बहुत सारे प्लेयर्स का। नाइट bd7 स्पेशली इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे बिशप f3 बिशप e7 और बिशप e3 ये सब मेन लाइंस हैं। इवन आई कैन आप यहाँ पे a4 खेल सकते हो और कैसलिंग के बाद क्वीन e1 जा सकते हो, ये एक बहुत पॉपुलर चॉइस है वाइट के लिए। लेकिन यहाँ पर नेज़मेदिनोव ने g4 खेला। डेफिनेटली एक अटैकिंग प्लेयर की अगर आप बात करेंगे तो उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि कैसे मैं पोजिशन में अटैकिंग चांसेस क्रिएट करूँ और कैसे मैं उनको और इंटरेस्टिंग तरीके से खेलने की कोशिश करूँ। तो जहाँ भी उनको लगता है कि मैं अग्रेसिव या एक्टिव चेस के लिए जाऊँ तो डेफिनेटली वो कोशिश करते हैं कि मैं उसमें एंटर करूँ। तो यहाँ पर इस गेम में g4 के बाद b5 खेला ताल ने, a3 बिशप टू b7 बिशप f3 नाइट c5। नाइट c5 के बाद डेफिनेटली e4 पे थ्रेट है तो आपको क्वीन e2 खेलना पड़ेगा उसको डिफेंड करने के लिए। और फाइनली यहाँ पे e5 खेला ब्लैक ने, जबकि यहाँ पे एक और वेरिएशन भी हो सकता था जिसमें आप बिशप e7 जा सकते हैं, g5 नाइट fd7 नाइट जो c5 है उसका एक आइडिया ये भी होता है कि आप इस नाइट के लिए प्लेस मैटेड कर रहे हैं, b4 नाइट टू a4 नाइट कट a4 b कट a4 और यहाँ पे आप बिशप e3 खेल सकते हैं या फिर मुझे लगता है c4 खेल के भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन गेम में e5 खेला यहाँ पे ब्लैक ने नाइट f5। डेफिनेटली ऐसे पोजीशंस में जब आपका क्वीन किंग के रो में और किंग सेंटर में पड़ा है जिसका कैसलिंग भी अभी तक रेडी नहीं है और नाइट f5 आ चुका है, ये बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन लग रही है फिलहाल। लेकिन नाइट f5 की जगह एक और अच्छा मूव आ रहा था यहाँ पे विच इज नाइट d5। नाइट d5 में आप देख सकते हैं नाइट इन टू d5 अगर मारते हैं आप तो e कट d5 और अभी भी किंग सेंटर में ही है और आप e कट d4 नहीं मार सकते क्योंकि ये पिन है। तो डेफिनेटली ये भी एक ऑप्शन था नेज़मेदिनोव के पास, बट नाइट f5 खेला यहाँ पे g6 f कट e5 अगर आप g2 मारते हैं तो डेफिनेटली e कट f6 एक ऑप्शन है। सो d कट e5 मारा नाइट h6, यहाँ पे बिशप इनटू h6 के बाद आपका कैसल स्टॉप हो रहा है। सो ये एक अच्छा मूव था एक्चुअली नाइट h6। नाइट e6 खेला यहाँ पे ब्लैक ने क्योंकि कुछ कंडीशंस में आप नाइट d4 और नाइट f4 भी जा सकते हो ताकि ये बिशप एक्सचेंज हो जाए और इस नाइट को रिमूव करना पड़े। bg2 खेला यहाँ पे वाइट ने क्योंकि सेमी ओपन फाइल में आप देख सकते हैं कि नाइट और रुक मिलके दोनों अटैक कर रहे हैं और अभी f6 पे भी थ्रेट है। तो bg7 खेला यहाँ पे और bg7 के बाद यहाँ पे आपको कुछ देर रुक के थोड़ा पोजिशन इवेल्युएट करने का ट्राई करना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, ब्लैक का किंग सेंटर में है लेकिन वाइट के पास जो चांसेस हैं उनमें कुछ डायरेक्ट वे है क्या कंटिन्यू करने का अटैक। तो यहाँ पर नेज़मेदिनोव ने पहला एक्सचेंज सैक्रिफाइस दिया और रुक इनटू f6 मार दिया। रुक इनटू f6 के बाद आप देख सकते हैं बिशप कट f6 और यहाँ पर डेफिनेटली आइडिया यही थी कि नाइट d5 को पोस्ट करना है। सो नाइट d5 खेला यहाँ पे और नाइट d5 के बाद जैसे ही नाइट d5 खेला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिएशन आ सकता था जिसमें बिशप कट d5 e कट d5 क्वीन c5 चेक और अभी आप किंग h1 अगर जाते हैं तो नाइट d8 आ सकता था जिसमें बिशप e3 के बाद शायद ये पोजीशन वाइट को डेफिनेटली बेटर है क्योंकि आपके पास डबल बिशप है, किंग सेंटर में पड़ा हुआ है, कैसलिंग हो नहीं सकती है और थ्रेट्स आ रहे हैं, रुक f1 इस डायगोनल में भी इशू है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ब्लैक को, ये डिफेंड करना इतना आसान नहीं था। बट क्वीन d8 खेला यहाँ पे ब्लैक ने 18th मूव पे, क्वीन f2, f6 पे थ्रेट है, आप f6 बिशप नहीं रिमूव कर सकते हो बिकॉज f7 मेट हो रही है। तो
नाइट एफ फोर खेला यहाँ पे, बिशप कट एफ फोर, ई कट एफ फोर, यहाँ पर एक सिंपल वेरिएशन था कि क्वीन एफ फोर खेलो आप, जिसमें बी डी फोर, किंग एच वन, बिशप टू डी फाइव, ई कट डी फाइव, क्वीन एफ सिक्स एक आ सकता था, जिसमें अगर आप क्वीन ई फोर चेक देते हैं तो क्वीन एफ फाइव के बाद रुक ई वन, एफ सिक्स, और ये पोजिशन शायद प्लेबल थी। लेकिन डेफिनेटली हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि नेज़्मेटदिनोव जो था वो अटैकिंग प्लेयर था, तो और इस पोजीशन में लग भी रहा है कि किंग सेंटर में पड़ा है, तो सेंटर के पॉन्स अगर हम सैक्रिफाइस भी देते हैं तो फाइल्स ओपन होंगी, और अटैक करने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि आप भले ही आप मटेरियल थोड़ा डाउन हो रहे हैं तो चलेगा, लेकिन फाइल्स और डायगोनल्स ओपन होने चाहिए पीसेस को एंटर करने के लिए। सो ई फाइव खेला, ये एक ट्रिकी मूव था कि क्योंकि इसमें एक्चुअली बिशप एच फोर ओनली चांस है, जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा मूव भी मिल रही है और रुक ई वन नहीं आ सकता है अभी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे थ्रेड भी है। सो ये एक ओनली चांस था, बट ई फाइव को मिखाइल ताल ने बिशप कट ई फाइव मार दिया, जो कि उनको लगा कि बाद में रुक ई वन को एफ सिक्स आके डिफेंड हो रहा है। रुक ई वन खेला, बहुत ही नेचुरल मूव लग रहा है, ई फाइव मर रहा है, सो एफ सिक्स खेला यहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली ओनली चांस था लास्ट, क्योंकि एफ सिक्स एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया था, बिशप इन टू डी फाइव शायद लास्ट चांस था, जिसमें रुक का डी फाइव के बाद बिशप ई सिक्स आ सकता था। अगर आप बिशप इंटू एट मारते हैं तो ठीक है, वो पोजीशन भी खेल सकता है ब्लैक, लेकिन अगर आप बिशप सी सिक्स चेक देते हैं तो किंग एफ एट और फिर बिशप इंटू एट मार सकते हैं, जिसमें एक्चुअली क्वीन डी सिक्स एक बहुत अच्छा मूव है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि अगर आप क्वीन इंटू एट मारेंगे तो वो कंडीशन में भी आपके पास मटेरियल तो इक्वल है, मतलब कोई पीस या एक्सटेंड डाउन नहीं है, पॉन्स डेफिनेटली एक कम है वाइट के पास, लेकिन वो पोजीशन प्लेबल थी। लेकिन यहाँ पे एफ सिक्स खेला ब्लैक ने, शायद उन्होंने इसके बाद जो मूव हुआ था, आप बीच में कहीं पे पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूव आ रहा है, नाइट एफ सिक्स। अब नाइट एफ सिक्स को जैसे ही आप क्वीन इनटू एफ सिक्स मारोगे तो सिर्फ नाइट एफ सिक्स देख लेना बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर यहाँ पे क्वीन डी फोर एक बहुत ही ब्रिलियंट मूव आ गया, बिकॉज अभी आप देख सकते हैं ई फाइव पिन है और नेक्स्ट मूव हमारी रहा है जिसमें किंग एफ एट खेला ब्लैक ने, रुक टू ई फाइव, क्वीन डी एट, रुक एफ फाइव चेक। अब डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि रुक ई फाइव चेक का एक सिंपल आइडिया है कि रुक हैंगिंग है इधर, तो आप उसको मार के खेल सकते हैं आगे। जी कट एफ फाइव मारा ब्लैक ने, क्वीन एच एट, किंग ई सेवन, क्वीन जी सेवन, चेक किंग ई सिक्स। यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा में ज़्यादा वो एक्सचेंज डाउन है, लेकिन ओपोनेंट का किंग जो है, नॉर्मली जब हम बात करते हैं ताल के गेम्स की तो आप देख सकते हैं कि ताल के गेम्स में नॉर्मली ऐसा होता है कि ज़्यादातर टाइम ताल ही अटैक करते रहते हैं और ओपोनेंट का किंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस गेम की तो एकदम रिवर्स सिचुएशन था, और डेफिनेटली इस गेम में आफ्टर जी कट एफ फाइव, क्योंकि जी कट एफ फाइव के बाद आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में ब्लैक के पास एक ही मूव है, किंग डी सिक्स, और जैसे ही आप किंग डी सिक्स जाओगे तो नाइट एफ सेवन चेक आ रहा है और उधर फोर के है, तो आप डेफिनेटली आपका क्वीन मर रहा है। सो बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से नेज़्मेटदिनोव ने ताल को आउटप्ले कर दिया था इस गेम में। 1961 में हुआ था ये गेम, और कुछ और गेम्स हुए हैं डेफिनेटली नेज़्मेटदिनोव को भी हम कवर करेंगे, क्योंकि उस वो भले ही एक आयाम थे उस टाइम पे, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, कोशिश करेंगे कि हम और गेम्स एनालिसिस करें ताल के और नेज़्मेटदिनोव का, और भी उस टाइम जो प्लेयर्स थे। डेफिनेटली मुझे बहुत इच्छा है कि मैं एक बार बहादुर जोबावा और भी गेम्स में बताऊँ आपको, क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चेस खेलते हैं। सो मिलते हैं बहुत जल्दी, बाय, थैंक यू।